Let's quickly play this breaking news that is coming in. The first reaction of the person who's likely to be the deputy chief minister of the Delhi cabinet of Arvind Kejriwal. Let's quickly play out this exclusive interview with Manish Sisodia. मनीष जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए किस तरह की ये चर्चा रहेगी और क्या आप मुद्दे जो हैं वो उठाने वाले हैं इस चाय पे चर्चा पे? देखिए, मूलतः तो अरविंद जी चाहते थे कि एक शपथ लेने से पहले कर्टसी कॉल हो जाए और प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यक्तिगत रूप से भी इन्वाइट करने के लिए वो मिल लें। तो मूल रूप से तो ये मुलाकात उसी लिए है, पर जब मिलेंगे तो फिर दिल्ली के कुछ इशूज पे भी चर्चा हो जाएगी। जैसे कल आपने बातचीत की थी, पूर्ण राज के दर्जे को लेकर आपने बातचीत की थी, राजनाथ सिंह जी से ही बात की थी, लेकिन आज क्या अहम रहेगा? क्या कुछ ऐसी बातें आपने सोची हैं कि इन पर बात की जाएगी? मुझे लगता है इस सामान्य चर्चा में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी मिल जाए, अनाधिकृत कॉलोनियों को जितनी जल्दी हम अधिकृत करा सकें, बाकी सारे इशूज़ जो हैं दिल्ली में, स्कूल अस्पताल के लिए ज़मीन वगैरह का ये है, कॉलेजेस के लिए, तो ये सारे इशूज़ हैं जिन पे अगर समय मिला तो चर्चा करेंगे। पर मूल रूप से आज तो प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए और उनसे एक शुरुआती मुलाकात के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद अरविंद जी जब शपथ ले लेंगे तो उसके बाद एक मुख्यमंत्री के रूप में बाकायदा दिल्ली के इशूज़ को लेके पूरे डेटा के साथ, डिटेल के साथ फिर मुलाकात करेंगे। क्या मंत्रिमंडल जो है उसका गठन हो चुका है, नाम तय हो चुके हैं, एलजी को आप कब लिस्ट भेजने जा रहे हैं? रात हमारी एक मीटिंग हुई थी पार्टी की, अरविंद जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, तो अरविंद जी ने कुछ नाम चर्चा किए थे और उम्मीद है कि वही आज अरविंद भिजवा देंगे एलजी साहब के यहाँ। पर अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं वो नाम बता नहीं सकता जब तक एलजी साहब के यहाँ से अप्रूव नहीं हो जाए। मैं उनको